लाइव टाइम स्ट्रीम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज ठाकुर। इस समय हम मौजूद है मंडी में और मंडी की ये जगह आप सभी को मालूम होगी, पता होगी, नहीं मालूम है तो एक बार देख लीजिए। यहां पर शाम के समय में लोग आते हैं, अपनी थकान भगाते हैं, नींबू वाली चाय और नींबू वाला जो सोडा है उसका सेवन करते हैं। एक बार आपको ये दृश्य दिखाना चाहेंगे। और आज हम यहाँ पर इसलिए पहुँचे हैं क्योंकि चंद दिनों के बाद इलेक्शंस वोटिंग होने वाली है और उसके ही दो तीन दिन बाद चुनावों के नतीजे भी सामने आ जाएंगे। और आज जब हम मंडी में पहुंचे हैं तो हम पब्लिक ओपिनियन जानना चाहेंगे कि पब्लिक का क्या कहना है, कौन जीत रहा है, कौन नहीं जीत रहा है, किस तरह की चीज़ें हैं, ये हम जनता से जानने की कोशिश ज़रूर करेंगे। हालांकि जनता की यदि हम बात करें तो बहुत सारे लोग इस बात से गुरेज भी करते हैं कि भाई क्या कहना, किस तरह से कहना, क्या कुछ पूरी बातें हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे। आइए चलते हैं हमारे साथ, कुछ बैठे हुए लोगों को परेशान यहाँ पर करते हैं। सर थोड़ा बातचीत कर लें मंडी पर जी। क्या लगता है इस बार पलड़ा किसका भारी है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ वोट आप किसको देंगे किसको नहीं देंगे, ये आपका पर्सनल अधिकार है। ये तो मंडी के लोग ही जाने ना कि नो कमेंट है। वैसे वी आर ऑन इलेक्शन ड्यूटी। अच्छा आप इलेक्शन ड्यूटी पे? ओहो तब तो मैं आपसे कुछ पूछ ही नहीं सकता तब तो। अच्छा चलिए ठीक है, फिर भी कैसा लग रहा है चुनाव? ठीक है, गर्म है, ठंडा है, कैसा है? ऐसा कोई विशेष तो लग रहा, वैसे एज यूजुअली है। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं लग रहा है जैसे पहले हाइप बनी थी? नहीं नहीं ऐसा नहीं लग रहा, तगड़ा ताबड़ तोड़ हो जाए? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। चलिए देखना ये होगा कि क्या होगा, लेकिन देखिए ये तो इलेक्शन ड्यूटी पर आए, ये कुछ कह भी नहीं सकते, चाह करके भी कुछ नहीं कह सकते। वैसे कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम करसोग। करसोग है तो आप इधर के ही है, दिल में जज्बात तो है लेकिन बताएं कैसे हैं, जख्म तो है लेकिन छिपाए कैसे। तो ये बात यहाँ पर है, इलेक्शन ड्यूटी पर ये आए हुए हैं और वहाँ पर कुछ युवा बैठे हुए हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि भाई अल्टीमेटली क्या कुछ। ये चश्मे वाला भाई साहब नज़रें चुरा रहे हैं, भाई थोड़ा स्पेस बना देंगे आप? हाँ क्या करते हैं आप? मैं कॉलेज में होता हूँ। कहाँ पर, कौन से कॉलेज? मैं बल्लभ गवर्नमेंट कॉलेज। अच्छा कैसा चल रहा है कॉलेज आपका? बढ़िया, फाइनल ईयर हो गई मेरी। ठीक है, सरकार से क्या उम्मीदें रखते हैं आप? सरकार से हमारी यही मांगे रहेगी, जो भी उम्मीदें हैं मतलब जैसे कि जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह है, जो जैसे हमारी पहले भी 10 साल सरकार रही उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो भी रही, जो मेड इन इंडिया स्टार्टअप वगैरह रहा उसको मतलब आगे भी हम वो करते रहें। चलो ठीक है, ये इधर उधर की बात हो गई, अब आते हैं मुद्दे की बात पे। चुनाव हो रहा है मंडी में, वोट तो आपका होगा? वोट है मेरा। ये नहीं बताना है ना मैं पूछूंगा कि आप वोट किसको डालेंगे। क्या आपका ओपिनियन क्या है, कौन है यहाँ पर आपको ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है, मजबूत पलड़ा किसका लग रहा है? मुझे तो कंगना रनौत जी का लग रहा है। वो किस लिए? क्योंकि जितनी भी उनकी आइडियोलॉजी वगैरह है और जो विक्रमादित्य जी उनके ऊपर जो भी मतलब उनकी जो भी टिप्पणियां वगैरह करते हैं। नहीं टिप्पणियां तो कंगना रनौत करती है भाई, ये महाचोर है, जमानत पर नहीं है। तो वो पहले उन्होंने की ना स्टार्टिंग, उनकी जो कौन थी, उनकी कौन थी भाई, सुप्रिया श्रीनेत थी, उन्होंने पहले टिप्पणी। सुप्रिया श्रीनेत का टिकरा आप विक्रमादित्य पे फोड़ रहे? नहीं नहीं तो उनकी पार्टी के हैं वो ना मेन। अच्छा हाँ ठीक है, तो आपको लगता है कंगना का पलड़ा भारी है? आपको लगता है कंगना जी आपकी बातों को उठा पाएंगी? क्योंकि विपक्ष का कहना है कि भाई वो तो बॉलीवुड में है, आपको डंगा लगाने के लिए उधर जाना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, कंगना रनौत जी अपना जो हमारी यहाँ की मंडी की जो जो भी समस्याएं हैं उनको सबको मतलब जो वहाँ पे पार्लियामेंट में आ गया। भाजपा समर्थक है आप? नहीं भाजपा का नहीं हूँ, लेकिन मुझे मतलब जैसे जो उनकी आइडियोलॉजी है विक्रमादित्य जी की है और जो कंगना रनौत जी की है जो जो उनकी थे उसके आधार में मैं बात करूँ। आप क्या कहेंगे भाई? मेरे को तो लगता है विक्रमादित्य सिंह जीतेंगे। कैसे, क्या लगता है, क्या किस पॉइंट ऑफ व्यू से? क्योंकि वो देखा जाए तो कंगना को तो अभी 4-5 महीने हुए राजनीति में आए हुए और उन्होंने पीछे अपने इंटरव्यू में भी कहा कि वो पहले अपने प्रोजेक्ट पूरे करेगी और वही बात आ कि कोई भी काम होगा हमें बॉलीवुड वहाँ पे ही कंगना मिलना ही समस्या हो जाएगा। आपको क्या अच्छी बात विक्रमादित्य में लगती है और क्या अच्छी बात कंगना में लगती है, या क्या बुरी बात दोनों में लगती है? जितने भी अभी तक इंटरव्यू हुए, जितने भी चाहे कंगना रनौत के हुए चाहे विक्रमादित्य सिंह के हुए, अगर सुनेंगे तो विक्रमादित्य सिंह हर इंटरव्यू में अपना कह रहा है कि मैं आगे क्या करूँगा मंडी के लिए, अपना विजन बता रहे हैं। और कंगना को देखो तो यही कह रहा है शहजादा है, ये है परिवारवाद, ऐसा वैसा, अपना विजन नहीं बता रही है कि मैं क्या करूँगी, ये है बात। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका नाम क्या था? आदित्य पठानी। क्या करते हैं आप? मेरी डिग्री पूरी हुई है। डिग्री पूरी हो गई है, उम्मीद लगा रहे होंगे आप नौकरी? हाँ जी हाँ जी। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये दो साथी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे, कुछ कन्याएं भी वहाँ पर है, ये उनसे भी बातचीत करते हैं। वोट तो इनका भी होगा और अगर वोट है तो ओपिनियन भी होगा। नमस्कार जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं कोटली साइड से। कोटली साइड कहाँ हुआ ये? धर्म ये। अच्छा उधर अपना अनिल शर्मा जी के घर। जी जी। आप लोग?
कोटली से ही है। सारी कोटली से। तो घूमने आते हैं आप शाम को? आप अपना अपना नाम बता दीजिए सर। पल्लवी शर्मा। डिंपल शर्मा। रितिका ठाकुर। सुषमा ठाकुर। सुषमा जी और पल्लवी जी, यहाँ से शुरू यहाँ से खत्म। आपका सबका वोट होगा? वोट है वो, ये नहीं बताना है कि किसको वोट देना है। हाँ हाँ वो बताएंगे भी नहीं, मुझे पता है। लेकिन फिर भी क्या लगता है आपको, मंडी में किसका पलड़ा भारी दिखता है? अभी तो दोनों का ही है ना पलड़ा। दोनों का भारी, दोनों का भारी है फिलहाल तो। अच्छा, कौन है आपको क्या लगता है, कौन बढ़िया रह सकता है, कौन आपके मुद्दों को उठा सकता है या किस तरह की चीज़? मुद्दों को तो अब ऐसा बता नहीं सकते ना, किसी का क्या पता जीतने के बाद कौन क्या करेगा। अच्छा, पलड़ा दोनों का भारी, मतलब ऐसा परसेप्शन होती है ना गाँव में, बात चल रही होती है कि भाई इसका पलड़ा भारी है जीत सकता है, ऐसा है कुछ चल रहा है कुछ आसपास? नहीं, हम गाँव गए ही नहीं है फिलहाल अभी ना। अच्छा। हाँ, काफी टाइम हो गया, पर ये है कि पलड़ा दोनों का ही भारी है फिलहाल। कोटली तो नजदीक है यहाँ पर है, बट कभी पेपर लगे ना, एग्जाम है तो तब करके। आपका नाम? डिंपल। डिंपल जी, क्या कहेंगे आप, आपको किसका लगा? आप भी इनकी तरह कॉपीकैट मत करना। आप भी तो किसी के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बराबर की टक्कर है दोनों की तो। ठीक है, मैं मान गया बराबर की टक्कर है, और वोटिंग देना भी एक अलग बात है कि आप किसको वोट देते हैं, लेकिन एक ना जनरल परसेप्शन सा होता है कि ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक कर लेगा, और ये कर ले तो ठीक हो जाएगा। पहले तो सभी बोलते हैं, लेकिन जीतने के बाद सब चेंज हो जाते हैं। सारे चेंज हो गए। हाँ जी, जयराम ठाकुर जी भी चेंज हो गए। हो जाते हैं चेंज, पहले वोट पहले के बोलते भी हाँ हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बाद में कुछ नहीं करते हैं। इतने हताश क्यों हैं आप अपने नेताओं से? तो हैं वो ऐसे ना, हैं वो ऐसे, तभी बोल रहे हैं हम। सारे ही ऐसे? नहीं सारे तो नहीं है, पर इन दो में से आपको क्या लगता है कौन ऐसा हो सकता है? अब क्या ही बताएं आप बोलोगे इस पर? हम कुछ नहीं बोल सकते। कुछ नहीं बोल सकते? आप देश की आवाज है, आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? आवाज है, पर अब कोई पता नहीं है ना कब क्या कौन क्या करेगा। जीत भी कोई सकता है अभी दोनों। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, कोई भी जीते, पर काम होना चाहिए जनता के लिए, बाकी नहीं ऐसा कुछ। आप मंडी में कितने साल से रह रहे? अभी 3 साल लगी अभी। क्या सबसे बड़ी समस्या है आपको यहाँ की लगती? समस्या वैसे कुछ नहीं लगी, बाकी एक वो शिवधाम का काम रोक दिया उसका एक, वो बुरा, वो नहीं रोकना चाहिए था। हाँ वो नहीं रोकना चाहिए था उनको, वो करना चाहिए था उनको। बोल रहे हैं वो 30 करोड़ रुपए दे दिया हमने, पता नहीं अब दिया है तो काम तो स्टार्ट करें। हाँ, दिया है तो काम स्टार्ट कर लो। वो बड़ा बाकी अच्छा। जो बोला सुखू जी ने कि 1500 देंगे हर महीने, उसका भी अभी कोई नहीं मिले। उन्होंने ऐसे बोला कि 18 साल होगी उम्र आप? हाँ जी है। आप एलिजिबल है 1500 के लिए है ना, उम्मीद है ना आपको? हाँ जी। उम्मीद है? उम्मीद नहीं है, नहीं उम्मीद नहीं है, हम नहीं आएंगे, नहीं है, नहीं आएंगे। अभी तक आप मिलने होते तो मिल जाते हैं अब तक। अब मेरे को सारे जयराम ठाकुर के फैन लग रहे हैं आप लोग। वो तो उन्होंने काम करवाया है ना, यूनिवर्सिटी लाई है, देखो भला इतना बढ़िया अचीवमेंट है हमारी मंडी के लिए, और क्या चाहना पड़ता था वहाँ पे। अभी यहीं पे हो जाता है सरकार मंडी में आ गई यूनिवर्सिटी तो इधर हमारा। उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तभी बोल रहे हैं इसी में ही। हाँ जी, पर अब तो इसको थोड़ा छोटा कर दिया ना। छोटा तो किया है, पर ये कि यूनिवर्सिटी तो बनी है वही बहुत बड़ी बात है हमारे। इजी हो जाता है यहाँ पे, हो जाता है। अब अभी नई यूनिवर्सिटी खुली है ना तो धीरे धीरे होगा, अब काम एकदम से तो होगा नहीं, अब उसका काम ऐसा है। बहुत बढ़िया। और देखो अच्छी बात ये है, भले ही जयराम ठाकुर के समर्थक है और कहना है कि भाई जयराम ठाकुर जी ने अच्छा काम किया, लेकिन कंपटीशन कांटे की टक्कर का है, तो मैं आपसे बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ इस चीज़ पर कि आप बायस्ड होकर जो है वो बात नहीं कर रहे हैं, आप जो है यथास्थिति है ना वही बोलेंगे। लड़कियाँ झूठ कम बोलती है वैसे। ऐसा भी कुछ नहीं है। ऐसा भी कुछ नहीं है, बिल्कुल ठीक बात बोली आपने, ऐसा भी कुछ नहीं है, लड़कियाँ भी झूठ बोलती है, लड़के भी झूठ बोलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए सभी कन्याओं का। अब हम यहाँ पर देखना चाहेंगे कुछ ऐसे चेहरे, युवा चेहरे, जो हमें इस बारे में जानकारी दे पाए कि भाई क्या यहाँ पर जनता का ओपिनियन है। ये भाग गई थी यहाँ पर। हाँ जी, आपका नाम? आप भी पढ़ाई करते हैं? हाँ जी। कहाँ पर करते हैं? वीजीसी में। हाँ जी, वीजीसी में। वीजीसी वल्लभ? हाँ जी। आगे? वल्लभ गवर्नमेंट कॉलेज। हम थोड़े बाहर से हैं, हमको शॉर्ट फॉर्म थोड़ी कम समझ आती है, बाहर से तो यही से शिमला से। अच्छा, क्या लगता है आपको, आपका वोट है? हाँ जी। किसको दे रहे हो फिर? अभी तो पता ही नहीं है, डिसाइड नहीं किया। जो घर वाले बोलेंगे वही। अरे जो घर वाले बोलेंगे। अरे घर में आजकल ऐसे घर में जब रात को डिनर चलता है तो सबकी बातचीत चलती है कि कंगना रनौत ये कर रही है, विक्रमादित्य ये कर रहे हैं, किसकी तरफ घर वालों का पलड़ा भारी लग रहा है आपको? घर वालों का तो फिर अब विक्रमादित्य की तरफ। विक्रमादित्य को क्या अच्छा लगता है उनमें? अब वो घर वालों को ना पता। अच्छा, आपको नहीं लगता कुछ ऐसा?
नहीं, जो घर वाले बोलेंगे वो ही करूँगी मैं। ये ओबीडियंट चाइल्ड है, आज्ञाकारी जिन्हें जो है वो पुत्री कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ये भाग गई थी पहले कि कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, फंसा ना दे। हम नहीं फंसाते आपको प्रश्नों में। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो आइए यहाँ पर आगे भी बातचीत करते हैं। कुछ युवा साथी यहाँ पर भी मौजूद है। ये भाई पहले मना कर दिया भाई साहब आपने। आपका नाम? भाई डिफेंस हूँ मैं। अच्छा, डिफेंस में। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, देश की सेवा करिए। आप भी डिफेंस में? नहीं नहीं भाई, नहीं, नहीं, थोड़ा स्पेस बना दो। भाई ने डरा ही दिया पहले तो यार। डिफेंस के तो वोट डाले हैं। अरे वोट तो और क्या, इधर नौकरी का होता है भाई, समझते हैं हम भी। कोई बात नहीं। आपका नाम? सुंदरम। सुंदरम, नाम बहुत बढ़िया आपका। सुंदरम जी कहाँ के रहने वाले हैं? मंडी से। अच्छा, मंडी से। क्या करते हैं? बिजनेसमैन हूँ। बिजनेसमैन। तो सुंदरम जी, क्या आपको लगता है कि मंडी का क्या इस समय मूड है? सर, इस टाइम मंडी में तो बीजेपी बीजेपी है और हम खुद बीजेपी को वोट देंगे। आएगा तो मोदी। तो मोदी समर्थक है आप? मोदी समर्थक है। क्या अच्छा लगता है मोदी जी? पर्सनैलिटी जो डेवलपमेंट कर रहा है, जो इंटरनेशनल लेवल पे हमारे देश को ले गया। बीजेपी जो है इंटरनेशनल लेवल पे आज की डेट में इंडिया बहुत ऊपर है। आज से पहले ऐसा नहीं था। इतना हमारे को पॉलिटिक्स का तो पता नहीं है, पर स्टिल अब जो है बहुत अच्छा है। नहीं, विक्रमादित्य जी लीग से हट कर के नेता कहे जाते हैं कि ये लीग से हट कर के नेता है, ये थोड़ा अलग से सोचते हैं। ये राम मंदिर भी गए, यदि मैं पार्टी के कॉन्टेक्स्ट में भी अगर हम बात करें तो आपको कैसे लगते हैं? नहीं, विक्रमादित्य भी ठीक है, ऐसा नहीं है। उनकी पर्सनैलिटी भी अच्छी है, वो भी समझदार है। पर जो डेवलपमेंट है ना, जो देश की डेवलपमेंट है, वो विक्रमादित्य नहीं करेंगे, वो करेंगे मोदी जो इस टाइम सेंटर में है। तो इसलिए मोदी लहर भी है और सारे मैक्सिमम यहाँ पे जो लोग कह रहे हैं मोदी लहर अब खत्म हो गई। नहीं नहीं, अभी भी है। है, है? कहाँ जैसे भाई दिख नहीं रहा है। मोदी लहर ही मोदी लहर है। देखो, अच्छा, ये देखो मोदी लहर का सबसे बड़ा वो है एग्जाम्पल। पर कांग्रेस ये बंदा तब तो उठ के चला गया। अच्छा, ये आपके मित्र है? मित्र है। अच्छा, कहाँ पर है आजकल ड्यूटी? इनकी ड्यूटी पे मंडी में है। अच्छा, मंडी में। तो सुंदरम जी हमारे साथ हैं। इनका कहना है कि मोदी लहर अभी भी बरकरार है और विकास जो है वो मोदी जी करवाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। इनका नाम क्या था आपके मित्र का? जीवितेश भारद्वाज। जीवितेश जी, जीवितेश जी नाराज तो नहीं है? ठीक है ना, बढ़िया। नहीं, कॉन्फिडेंस रख के पता कांग्रेस आ जाए। चलिए, खैर आगे चलते हैं। जोक सपाट, हंसी मजाक चलता रहता है, बीच बीच में से हम जो है बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे साथी भी मौजूद है। ये भी मेरे ख्याल से वोट है आपका। कितने साल के हो गए आप? आपका नाम? जानवी। आपका नाम? यशिका। एंड आपका? सपना। थोड़ा नज़दीक आ जाइए, थोड़ा इधर इधर। जानवी था आपका नाम जी। कौन सी क्लास में या क्या करते हैं? एमए कर रही हूँ। एमए कर रहे हैं जी। मैं भी मास्टर्स कर रही हूँ। मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। अच्छा, कैसा माहौल है मंडी का इस समय? फिलहाल तो गर्म है। और सियासी माहौल की अगर बात करें? सियासी माहौल भी काफ़ी गर्म है इस टाइम। क्या लगता है पलटा किसके लिए? मैं ये नहीं पूछता हूँ, देखो मैं सबको यही कह रहा हूँ कि वोट देना आपका अधिकार है और उसको गुप्त रखो, वही ज़्यादा बेहतर होता है। पर एक ओपिनियन होता है, वोट आप किसी को भी डाल सकते हैं, ओपिनियन अलग अलग हो सकते हैं। वो तो है। हाँ, क्या लगता है कौन किसका पलड़ा भारी है, या सुनने सुनाने में, या इस तरह की बात है? दोनों का बराबर बराबर ही चल रहा है मेरे हिसाब से तो। सारी लड़कियाँ ऐसा ही क्यों कह रही हैं कि सबका बराबर बराबर सही? अब क्या ही बोले, वही बात, क्या ही बोले जी। आप तो मुझे काफी कॉन्फिडेंट से लग रहे हैं कि आप तो आर या पार कर दोगे, बता दो फिर। बस ये बोल के बस 50-50 लग रहा है, कोई आइडिया नहीं है इस मामले में। ठीक है, 50-50। लेकिन एज अ यूथ आपको क्या लगता है कि कौन सही रहेगा ज्यादा? एज अ यूथ वैसे बोल दो कुछ नहीं। आई थिंक विक्रमादित्य सिंह, वो मुझे ठीक लग रहे हैं इस बार। ठीक है, आपने हिम्मत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, आप? फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू देर इज प्रोबेबिलिटी 50-50 हो सकती है। कुछ अब यूथ के हाथ पे डिपेंड करता है कि उनको कौन ज़्यादा किसकी तो जानना चाह रहे हैं हम भी, कौन ज़्यादा बढ़िया लग रहा है।
अगर हम ऐसे पर्टिकुलर ठीक है वोट आप किसी को भी दे सकते हैं। वैसे ही पूछ रहे हैं, जस्ट होता है ना कि मुझे सलमान खान भी अच्छे लगते हैं, शाहरुख खान भी अच्छे लगते हैं, जब वोट देने की बारी आएगी जो हमारे लिए बेस्ट करेगा वी जस्ट वांट टू कि वही जीते। तभी करेगा ना मैम जब जीत के जाएगा। मेरे हिसाब से तो फिलहाल के लिए विक्रमादित्य लग रहे हैं, उनका पलड़ा ज्यादा भारी लग रहा है इस बार, ऐसा लग रहा है। 60-40 बिल्कुल नपी तुली सी बात यहाँ पर कन्याओं द्वारा कही गई है। कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं आप? BGC। ये वल्लभ गवर्नमेंट कॉलेज BGC। तो मुझे भी पता लग गया है शॉर्ट फॉर्म, पहले मैं पूरा नाम से जानता था इस कॉलेज को। बाकी पढ़ाई वढ़ाई ठीक चल रही? हाँ जी, हाँ बहुत अच्छी। जॉब वॉब का? अभी कॉलेज तो कम्प्लीट हो रहा है। एम ए किस में कर रहे हैं आप? इंग्लिश। आप? इंग्लिश। सारे अंग्रेजी में। और आप? मेरी मास्टर्स कॉमर्स में भी है, मैं भी नेट GRF के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। भगवान करे आपका क्लियर हो जाए, बढ़िया स्कॉलरशिप लग जाए 35-40 हज़ार। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। आइए जी, तो ये सेरी मंच के बिल्कुल साथ वाली एडजेसेंट साइड है जहाँ पर लोग शाम को आकर के चाय पीते हैं, चाय की चुस्कियों का मज़ा लेते हैं। और हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं आम पब्लिक से कि उनका क्या ओपिनियन है मंडी को लेकर के, किसका पलड़ा ज़्यादा भारी है किसका नहीं है। तो आइए कुछ मासूम चेहरों से और बातचीत करते हैं। हमारे साथ सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी मौजूद है, उनसे हम बातचीत करेंगे। भाई साहब ने टोपी बड़ी अच्छी लगाई है। भाई साहब कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं नमस्कार जी, और मैं डिस्ट्रिक्ट मंडी से प्रॉपर हूँ, और लाका बदार और द्रंग से आता हूँ मैं, और देवरी पंजाब। बीजेपी वाली टोपी? सर ये आपकी गलत थिंकिंग है, बीजेपी तभी मैंने पूछा ही। नहीं, ये टोपी रिवाज, ये तो हमारा सिर का ताज है। सरदार लगाते हैं काली पगड़ी को सफेद पगड़ी, और कई रंगों की पगड़ी लगाते हैं, इसके ऊपर राज कभी किया नहीं जाता है। क्या बात। और मुझे बहुत खुशी है आपने टोपी की हमारी तारीफ की, ये हिमाचल की हमारी शान है। और आगे गर्मी का चला हुआ है आज की डेट में मौसम, और साथ में इलेक्शन का भी दौर चला हुआ है। गर्मी तो ठीक है, इलेक्शन की गर्मी कैसी है? इलेक्शन की गर्मी तो आपको पता ही लग रहा है, गर्मी क्या लग रही है और क्या बोल रहे हैं ये। और मुझे ऐसा लग रहा है चलो इस साल पटरी पे गाड़ी अच्छी आएगी डिस्ट्रिक्ट, हमारे हिमाचल प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट मंडी के लिए मैं सोचता हूँ एक तोहफा और आने वाला है। क्या लगता है किसका पलड़ा भारी? मैं एक जहाँ मैं जिस जगह में बैठा हूँ डिस्ट्रिक्ट मंडी में बैठा हूँ, हमारी डिस्ट्रिक्ट मंडी से कंगना जी इलेक्शन लड़ रही है यहाँ, मैं सोचता हूँ बेटी के नाम पे यहाँ वोट पड़ेगा, और मंडी की लड़की है और इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता हूँ। धन्यवाद। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और भाई साहब ने बताया कि ये टोपी जो है ये इस पर कोई राज नहीं कर सकता, ये हमारी हिमाचल प्रदेश की आन बान शान है, कलर चाहे जो भी हो जो भी चीज़ें हों वो मायने यहाँ पर नहीं रखता। और इस चीज़ का जिक्र जो है वो जब भी पॉलिटिशियंस के साथ इन चीज़ों को जोड़ा जाता था उस समय पर भी जो है वो किया जाता था। कुछ युवा यहाँ पर भी मौजूद है, भाई खेलने खुलने वाले लगते हैं मुझे, एथलीट लग रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम अंकित चौहान है। अंकित जी, चौहान साहब गर्मी कैसी है? गर्मी तो ठीक ही है। और चुनावों की गर्मी कैसी है? चुनावों की गर्मी भी ठीक ही है। ठीक ही है। ज़्यादा गर्मी कौन सी, ऐसे वाली कि चुनाव वाली? चुनाव वाली भी बराबर ही है, ऐसे भी है। ठीक है, दिल पे हाथ रख लेना और सच सच बताना किसका पलड़ा भारी लग रहा है, वोट नहीं पूछ रहा हूँ। पलड़ा तो विक्रमादित्य ही भारी लग रहा है। क्या अच्छा लगता है आपको उनमें? निष्पक्ष है, मतलब कि अच्छा है, युवाओं की आवाज़ को उठाते हैं, मतलब जैसे जो है 817 को देख लो आप, मतलब निष्पक्ष रहते हैं हमेशा ही, मतलब कि ठीक जनता के मुद्दों को आगे रखते हैं। और कंगना में क्या आपको ऐसा लगता है कि जिससे उनको मात खा सकती? कंगना में ऐसा तो है नहीं कुछ, मतलब कि देखा है आपने यहाँ पर मंडी में? हाँ जी। कैसा लगा, कैसी अनुभूति हुई एक सेलिब्रिटी को देख? अनुभूति तो ठीक ही है, अनुभूति कैसी होगी। अच्छा, तो विक्रमादित्य का पलड़ा भारी लग रहा है? ऐसा ही लग रहा है फिलहाल, मतलब अब बोल नहीं सकते ना, फाइट तो बराबरी का है, मतलब जनरल परसेप्शन जानना चाह रहे हैं हम कि क्या है क्या नहीं है, तो उसमें बोल सकते हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं। नहीं, फाइट तो ठीक ही है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि, मतलब थोड़ा सा विक्रमादित्य का पलड़ा भारी लग रहा है। कौन आपको लगता है यहाँ से सही रहेगा वैसे अगर जीत कर जाता है? वैसे विक्रमादित्य ही सही लग रहा है ना। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बंजार से। मुझे बंजार से। ओके, बंजार से आप, आपका वोट भी होगा? हाँ जी। भाई साहब कैप वाले, आपका नाम क्या है? हर्ष ठाकुर। हर्ष जी, अच्छा नीचे आ जाऊँ मैं? अच्छा बैठूँ, ठीक है, क्या बात है। हमारे वीडियो जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि बैठ करके बातचीत। चाय नींबू वाली है? नहीं, अरे दूध वाली नहीं पीते भाई। सर आप नींबू वाले? ये इसी गिलास में नींबू वाली चाय आती है। आपका नाम? हर्ष ठाकुर। हर्ष ठाकुर जी, हर्ष जी कहाँ के हैं रहने वाले आप? बंजार से। बंजार से, सारी बंजार की
चारों बंजार से। आपको किसका पलड़ा भारी लग रहा है? विक्रमादित्य जी का। मेरे को लग रहा है उस तरफ विक्रमादित्य जी की हवा चली है। जी जी, है? काफी। तो वहाँ से तो फिर लीड जा रही है उनको? बस वो काफी लीड जाएगा। और यहाँ पर आप रहते हैं मंडी में, यहाँ क्या लग रहा है आपको? जनरल परसेप्शन जो होती है, यहाँ भी विक्रमादित्य जी का ज्यादा लग रहा है। जैसे रैली, चाय भी पी लो साथ साथ में। चलो चलो कोई नहीं, आप जैसे विक्रमादित्य जी आते हैं रैलियाँ रुलियाँ में रश, विक्रमादित्य जी की ज्यादा पलड़ा भारी लग रहा है। युवा है, लड़के लड़कियाँ सब विक्रमादित्य जी के लिए, सर आप लीजिए पहले, विक्रमादित्य जी के लिए काम कर रहे हैं। अब आ जाइए इस तरफ आप। भाई साहब हमें चाय दे रहे हैं, लेकिन गर्मी है और गर्मी में कहते हैं कि लोहा ही लोहे को काटता है, तो चाय ही इस गर्मी को दूर भगा सकती है। पसीना आएगा तो फिर ठंडक का अनुभव होगा। आपका नाम? मेरा नाम नवनेश ठाकुर। वाह, जबरदस्त नाम है, थोड़ा अलग सा है, हटके हैं ना? जी जी, और जैसे मेरा मनोज है, ये 10 में से 5 लोगों का मनोज होगा, नवनेश किसी एक का होगा। बिल्कुल एक। तो अब आपका विचार भी किसी 10 में से 1 का ही होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब आप भी विक्रमादित्य जी की यहाँ पर बात कर रहे हैं या फिर कोई और? मैं तो कंगना जी के साथ उस बात। क्या बात है, बंजार से हैं आप भी? बंजार से। अच्छा, क्या क्यों लगता है आपको उनका पलड़ा भारी? उनका पलड़ा इसलिए भी भारी है क्योंकि नया चेहरा है इस बार। अब चेंज तो जरूरी होता है हर चीज के लिए। बदलाव देते भी नए चेहरे भाई? नहीं नहीं, वो तो चलो वो ही फैमिली है कब से है, तो हम चाहते हैं इस बार पॉलिटिक्स पूरी तरह से चेंज हो जाए। तब आपको लगता है वो बोल रहे हैं कि डंगा लगाना होगा तो आपको मुंबई जाना होगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो नहीं जाएगी फिर मुंबई। अगर मुझे लगता है ऐसा कि अगर कुछ होता है यहाँ से, अगर वो जीत जाती तो वो उन्हें तो वो छोड़ना पड़ेगा फिर। और नहीं छोड़ा तो तब तो देखिएगा आगे क्या होता है। ऐसा हो सकता है वो नहीं भी छोड़ भी सकते हैं फिर अपना जो करियर है, छोड़ भी सकते हैं। गारंटी लोगे इस चीज़ की? चलो गारंटी तो हम क्या ही लें, बट ऐसे कि छोड़ देंगे वो शायद, जैसा होता है। मजाक कर रहा हूँ मैं, मजाक कर रहा हूँ। हाँ, उन्होंने बोला है कि मुझे अगर कोई मिनिस्ट्री बढ़िया मिल जाए तो मैं छोड़ दूंगी। बिल्कुल जी, है ना? हाँ जी, वो छोड़ भी सकते हैं फिर। ठीक है, छोड़ सकते हैं, बिल्कुल सही। और ये नवनेश जी हमारे साथ थे। भाई आपका क्या नाम है? कमलजीत ठाकुर। कमलजीत, आप सबके नाम ही बड़े अलग अलग से, बंजार से हैं आप भी? बंजार से। आपका क्या कहना है? राजा साहब विक्रमादित्य। तेरा बल्ला की, राजा साहब हैं? राजा साहब बोलते हैं उनको आप? राजा साहब। क्यों? राज फैमिली से हो। अच्छा, तो क्या अच्छा लगता है उनमें? उनमें बढ़िया है, वो हमारे युवाओं के लिए ठीक ठाक ही है, वैसे युवाओं की आवाज़ उठाते हैं, अच्छा अच्छा ही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो भाई बंजार में जैसा कि हमारे साथ एक भाई साहब है, उनका कहना है कि राजा साहब इस बार जो है वो जीतेंगे। भाई साहब भी बंजार से, वो कह रहे हैं कि इस बार कंगना रनौत जो है, ये देखिए ये होता है पब्लिक ओपिनियन, इसमें कोई वो नहीं होता, ये साफ साफ जो चीज़ें होती हैं वो होती है, और वो दर्शाती है कि अल्टीमेटली गेम किस पास से जाने वाली है। हाँ जी सर, आप बोलेंगे कुछ? प्लीज़, मैं कुछ नहीं, कुछ नहीं कहेंगे। कहाँ के? ऐसे ही गपशप तो मार लो इलेक्शन पे। हाँ, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सर बाली चौकी का रहने वाला हूँ। क्या बात है, मौसम कैसा है बाली चौकी में? मौसम तो बढ़िया है, गर्मी थोड़ा ज़्यादा है। और जो पॉलिटिक्स की गर्मी है वो? राजनीति के बारे में तो उतना ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं। नहीं बोलना नहीं, वैसे ही पूछ रहा हूँ, राजनीतिक गर्मी कैसी है? राजनीति गर्मी तो नेचुरली रहेगी क्योंकि एक अभी 1 तारीख को इलेक्शन होने हैं। रैलियाँ किसकी हो रही है आपकी तरफ? रैलियाँ पिछले कल रैली हुई थी, वहाँ पे विक्रमादित्य जी आए थे, तो बाकी तो क्या बोलें सर। मतलब ज़्यादा रैलियाँ कांग्रेस की हो रही है? रैलियाँ बीजेपी वालों की, सभी पार्टी के जो कैंडिडेट वो सब लोग आ रहे हैं, वोट मांगने तो पड़ेंगे ही, क्या करना है। और अगर ना आए मांगने तो? ना आए तो हो सकता है फिर लोगों को तो वोट कास्ट करना ही पड़ेगा ना, ऐसा तो है नहीं, वो आए तभी बेटर, नहीं आए देन टू बेटर। क्या कहेंगे आप? मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि क्या है क्या नहीं है, क्या कहेंगे आपकी जनता को वोट करना चाहिए, वोट की अपील? जनता से तो हम सभी से अपील करेंगे कि बढ़ चढ़ कर वो इस जो हमारा लोकतांत्रिक त्यौहार है, बढ़कर पार्टिसिपेट करें। भाई साहब आप ना, मेरे को तगड़े राजनीतिक की ज्ञानी लग रहे हैं। ये नहीं, एक्चुअल मैं, आप मेरे को तगड़े लग रहे हैं पर आप दफना रहे हैं उस चीज़ को। मैं एक्चुअल में इलेक्शन ड्यूटी में आया हूँ, तो तब करके मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा मुझे बढ़िया नहीं लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो देखिए, जो इलेक्शन ड्यूटी पर आए हैं भाई, उनका तो हम कुछ कतई नहीं कह सकते हैं, और उनको तो बोल भी नहीं सकते हैं कि आप कुछ भी इस बारे में बोलिए। और एक आध व्यक्ति से, आओ इधर आओ बेटा, इधर आ जाओ ऊपर। क्या नाम है आपका? ओमकार। ओमकार, वाह बड़ा खूबसूरत नाम है। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 5th। क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा यहाँ पर? मोदी। मोदी जीते? मोदी तो है ही नहीं इलेक्शन में खड़े हुए, यहाँ से कौन खड़ा है? यहाँ से पता नहीं। कंगना रनौत कौन है? हा? कंगना रनौत कौन है? कंगना, हाँ सुना है। कौन है?
नाम सुना है। देखा है उनको कभी? जी। और विक्रमादित्य को देखा है? विक्रमादित्य विक्रम नहीं विक्रम वीरभद्र सिंह का नाम सुना है? हाँ। उनके बेटे पता है? उनके बेटे भी है? नहीं पता है। अच्छा तो मोदी क्यों जीतेंगे? मोदी अच्छा लगते हैं उनको। क्या अच्छा लगता है उनमें? बहुत सारी छुट्टियाँ देते हैं। बहुत सारी छुट्टियाँ देते हैं? छुट्टियाँ देते हैं? कौन सी छुट्टियाँ देते हैं? देते हैं। कौन सी? कैसे कौन सी? नहीं मतलब क्या जन्म क्या अपना रक्षाबंधन की दिवाली की ऐसे? हाँ ऐसे करके दे देते हैं छुट्टियाँ। और क्या अच्छा लगता है? और फनी भी है थोड़े। फनी भी है? चुटकुले सुनाते हैं। राहुल गांधी को जानते हैं आप? हाँ नाम सुने। और जो खटाखट 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 कर रहे हैं आजकल, जान नाम सुना है? हाँ, कभी देखा है टीवी पर? नहीं देखा है। मोदी जी को देखा है? जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया ओमकार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वोट तो है नहीं अभी आपका है ना? कितने साल के हो आप? 9 ईयर ओल्ड। ओ अभी तो 9 और 9, 9 दूनी 18, 9 साल बाद आपका वोट होगा है ना। चलिए शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये कह रहे हैं कि मोदी जी उनको इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि वो छुट्टियां बहुत करते हैं। आइए भाटी जी इधर आइए, हमारे साथ शेरी मंच पर हम मौजूद हैं और बातचीत हम कर रहे हैं। एक भाई साहब सिर पकड़ लिया कि भाई पूछ लेंगे। भाई भाई कैसे हैं? ठीक है भैया। इलेक्शन ड्यूटी पे तो नहीं आप? नहीं भैया। गवर्नमेंट जॉब करते हैं? नहीं। तब ठीक है, क्योंकि दो लोग जो है इनको बड़ा टेंशन हो जाता है, एक तो इलेक्शन ड्यूटी पे हैं, दूसरा जो गवर्नमेंट जॉब पे हैं। आपका नाम? अभिषेक। अभिषेक जी कहाँ के रहने वाले हैं? धर्मपुर। रामपुर से? नहीं धर्मपुर। अच्छा धर्मपुर से हैं, तो ये तो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में आ गया आपका। वहाँ पे कैसा है पलड़ा, किसका भारी है? बीजेपी। अनुराग ठाकुर? हाँ जी। आप सर आपका नाम? सूरज। सूरज, सूरज क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं यहीं पे आसपास? एमएससी कर रहे हैं। एमएससी कर रहे हैं। सूरज जी बीमार तो नहीं आप? ऐसे ही शांति धीरे बोलते ऐसे बोलता है धीरे। सूरज जी क्या लग रहा है यहाँ पर मंडी में? ऐसे नहीं पूछ रहा हूँ मैं कि वोट किसको डालेंगे आप, किसका पलड़ा भारी? पलड़ा तो बराबरी का ही है यहाँ तो, यहाँ ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते किसका पलड़ा भारी है। टक्कर का ही मुकाबला है यहाँ। टक्कर का मुकाबला मतलब कोई जो बीच में हवा फेंक रहा है कि भाई इसका पलड़ा इतना भारी है, दूसरा बोल रहा है इसका इतना हमारी एक तरफा जीत, ऐसा है नहीं कुछ? ऐसा तो कुछ नहीं। सूरज जी आपका नाम? अक्षय। अक्षय, अक्षय जी आप क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ इधर। कॉलेज का नाम भी बता दो सर। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, कैसी है यूनिवर्सिटी? ठीक है बोल सकते हैं, विकासशील है। विकासशील है, चल रहा है काम अभी। चल रहा है काम। और क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए यहाँ पर? कैंपस तो अच्छा होना चाहिए, छोटा सा कैंपस है, थोड़ा एक्सपेंड हो, अच्छा बने। और क्या सभी ऐसे जाते हैं? नए वीसी ने ज्वाइन किया, कैसे हैं वो? अभी तक हमारी तो ऐसी हुई नहीं, पर एक बार आए थे मेरे ख्याल। हम नए होंगे मतलब हमारी हुई नहीं ना उस दिन, हम नए होंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो ये इधर उधर की बातें होगी, वार्म अप हो गया। अब ये बताइए मंडी में कैसा है माहौल इस टाइम पे? मंडी का तो कुछ नहीं कह सकते, हम तो हमीरपुर हैं कि, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इधर कुछ है कांटे की टक्कर। एक होता है ना थोड़ा सा होता है, ठीक है भाई ने कांटे की टक्कर बोल दिया। अब मैं थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ना चाह रहा हूँ, कांटे की टक्कर में भी थोड़ी सी टक्कर होती है, तो वो टक्कर किस तरफ को है? औरों को तो पता नहीं, लेकिन मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है, मैं तो हूँ नहीं इधर का, लेकिन मेरे को लगता है ऐसा पर्सनली कि जैसे इधर कांग्रेस का पलड़ा थोड़ा सा भारी है। विक्रमादित्य का? जी जी ठीक है, मेरे को ऐसा लग रहा है। ओके, कंगना में क्या अच्छी बात लगती है आपको? नहीं अच्छी बात वो ऐसे है कि बोल्ड है, अपनी बात आखिर रख सकते हैं, उन्हीं में ये क्वालिटीज़ हैं। ऐसा विक्रमादित्य सिंह, विक्रमादित्य सिंह जैसे यूथ आइकन है आजकल, ये है बड़ी बात। वो भी तो बोल्ड है, तो बोल्ड तो है तभी तो है, उनके साथ यूथ आइकन भी है, उनके पास ज़्यादा क्वालिटीज़ है तभी, इस करके मेरे को लग रहा है ऐसा पर्सनली। ठीक है बिल्कुल जायज बात आपने बोली, ऐसा कुछ नहीं। भाई साहब आपका नाम? रोहित। रोहित शर्मा? रोहित नाथ। नहीं मैं ऐसे ही छेड़ रहा हूँ, आजकल T20 वर्ल्ड कप आने वाला है ना? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। रोहित जी आप क्या करते हैं? मैं भी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। ग्रेजुएशन कर रहे हैं? एमएससी कर रहे हैं किस चीज़ में? केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री सब इकट्ठे पढ़ते हो? क्या बात है, मेरे केमिस्ट्री में 96 नंबर थे, प्लस टू में 96 नंबर थे। फिर क्या किया आपने? फिर उसके बाद बीटेक किया। अच्छा अच्छा बढ़िया है। अब आते हैं मुद्दे पर, ठीक है जी। किसका पलड़ा भारी लग रहा है? पलड़ा ठीक है जैसे इसने बोला, ठीक है आदित्य जी ठीक है हमारे, हाँ वही जीतेंगे और लगता है। ठीक है बाकी पता नहीं, देखो पता। आप भी हमीरपुर से हैं सर? हम तो वैसे कांगड़ा से हैं। अच्छा। पर आप तो ठीक है, अब यहाँ पर रहते हैं, इधर के हुए 2 साल हो गए तो इधर गए हैं, एक अंदाजा लग जाता है कि भाई क्या है जनता का परसेप्शन क्या है। कांग्रेस ही जीतेगी आइडिया, तो आइडिया के लिए गणा पक्का बोल रहा हूँ। पूछे बढ़िया है आपने, किससे इंस्पायर होकर? ए हमारे उधर थे एमएलए सुजान सिंह पठानिया जी, परमेश वर्मा गया था।
हाँ उनका भी है पर हम तो अपने एमएलए की रखते हैं। से है इस हाँ बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। युवाओं से बात करने में बड़ा आनंद आता है और मुझे लगता है दिस इज़ इनफ फॉर राइट नाउ। अभी शाम का समय हो चला है और अंधेरा लगभग हो ही गया है, तो अभी के लिए मैं मनोज ठाकुर लेना चाहूँगा आपसे इजाज़त। देखते रहे लाइफ टाइम फॉर्चून से बोलेंगे इस खास बातचीत पर साथ दिया सीनियर जर्नलिस्ट अजय भाटी जी, धन्यवाद। नमस्कार, लाइव टाइम्स टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज ठाकुर। इस समय हम मौजूद है मंडी में और मंडी की ये जगह आप सभी को मालूम होगी, पता होगी, नहीं मालूम है तो एक बार देख लीजिए। यहां पर शाम के समय में लोग आते हैं, अपनी थकान भगाते हैं, नींबू वाली चाय और नींबू वाला जो सोडा है उसको उसका सेवन करते हैं। एक बार आपको ये दृश्य दिखाना चाहेंगे। और आज हम यहाँ पर इसलिए पहुँचे हैं क्योंकि चंद दिनों के बाद इलेक्शंस वोटिंग होने वाली है और उसके ही दो तीन दिन बाद चुनावों के नतीजे भी सामने आ जाएंगे। और आज जब हम मंडी में पहुंचे हैं तो हम पब्लिक ओपिनियन जानना चाहेंगे कि पब्लिक का क्या कहना है, कौन जीत रहा है।